आज मैं टिक्की बना रही हूँ, बहुत ही आसान है। तो चलिए टिक्कियाँ बनाते हैं। आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि आपकी टिक्कियाँ कैसी बनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये पटेटोज ले लिए हैं, इन्हें छील लिया है और मैंने ब्रेड क्रम्स पीस लिए हैं। जो हमारे पास ब्रेड बची हुई होती है, उस ब्रेड को बिल्कुल ड्राई कर लीजिए। आप उसे पीस करके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं बहुत आसानी से, और इसे मैं आलूओं में डालूंगी। सूखी हुई ब्रेड का जो चूरा हम इसमें डालते हैं, उससे हमारी टिक्कियाँ काफ़ी क्रंची बनती है। इसकी जगह हम अरारोट भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अरारोट यूज़ करूंगी। इसमें मैं सूखी हुई ब्रेड का चूरा डालूंगी। इससे जब हम फ्राई करते हैं टिक्कियों को, तो ये फटती नहीं है। ये मैंने ब्रेड क्रम्स इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक इसमें मिला सकते हैं। मैंने मिर्च पाउडर भी इसमें मिला दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी तक देखिए मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स डाले हैं, नमक, मिर्च और गरम मसाला डाला है और ये मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं और अब मैं इन्हें तल रही हूँ। ब्रेड क्रम्स इसमें जो हम यूज़ करते हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हम टिक्कियों को ऐसे फ्राई करते हैं तो ये हमारी टिक्कियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। और इस तरह से जब हम बनाते हैं तो ये काफ़ी जल्दी हमारी टिक्कियाँ बन जाती है। तवे पे टाइम लगता है, इससे टिक्कियाँ हमारी अंदर तक सिक जाती हैं। मीडियम ऑयल रखा है मैंने, ना ज़्यादा गर्म है ऑयल ना ठंडा है ये, और ठीक तरह से हमारी टिक्कियाँ इसमें पक जाएगी। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो बहुत आसान है टिक्कियाँ बनाना। मैंने एक एक करके इसमें 3 टिक्कियाँ डाल दी है और धीरे धीरे देखिए ये ब्राउन हो रही है टिक्कियाँ। पलट दीजिए, जैसे ही एक तरफ से टिक्की थोड़ी सी सिक जाए, एकदम डालते हुए नहीं पलटिएगा क्योंकि टिक्कियाँ नरम होती है। लेकिन जब टिक्की सिक जाती है तो उसे पलटते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, टिक्कियाँ नहीं टूटती हैं। ये हमारी टिक्कियाँ ब्राउन हो गई है, तैयार है टिक्कियाँ। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी तो देख लीजिए टिक्कियों का कलर कैसा है। और काफ़ी क्रंची बनी है मेरी ये टिक्कियाँ, तो आप भी ट्राई करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। टिक्की तोड़ करके मैंने इसके ऊपर कटा हुआ प्याज डाला है, दही डाल दिया है और अब मैं इसके ऊपर सॉस डालूँगी। आप अपनी पसंद की चटनी कुछ भी डाल सकते हैं जिसके साथ आप टिक्कियाँ खाना चाहें। इसमें चाट मसाला भी यूज़ किया जा सकता है।